और रिजल्ट्स आप देख सकते हैं कि स्किन आपकी शीशे की तरह चमक रही है, ग्लो कर रही है, बिल्कुल भी रूखी नहीं हुई। रात को सोने से पहले आप ये काम डेली भी कर सकते हो। अगर आप डेली ये काम करोगे तो आप देखोगे कि आपकी स्किन पे जो थोड़े बहुत दाग धब्बे, और गेहूं के होना शुरू। आटे में ग्लूटन भरपूर मात्रा में होता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने देख ही लिया, मैंने बालों को बहुत ही अच्छी तरह से पीछे कर दिया है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं फेशियल, और वो भी गेहूं के आटे से। ये देखिए जी, मेरे पास गेहूं का आटा है, और गेहूं के आटे में ग्लूटन भरपूर मात्रा में होता है, जिसे कि आपकी स्किन को ये टाइट करता है। एंटी एजिंग के लिए भी बहुत परफेक्ट चीज़ है, और साथ ही साथ आपकी रंगत को निखारने का काम करता है, कलर को फेयर करता है। होता क्या है कि हमारे फेस पे छोटे मोटे दाग धब्बे होते हैं, हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और वही दाग धब्बे आगे को फिर इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि फिर हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर हम ढूंढने लगते हैं कि ऐसी कौन सी रेमेडी है, ऐसा क्या हम अपने चेहरे पे लगा दें जिससे कि ये दाग धब्बे ठीक हो जाए। प्रॉब्लम एक दिन में नहीं बढ़ती है। आपको अपनी स्किन की हमेशा से केयर करनी चाहिए। अगर हमेशा आप अपने चेहरे की केयर करोगे तो कभी भी आपको इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक चीज और बता दूं कि देखिए, जब हमारे फेस पे, जैसे पहले तो आपकी स्किन साफ है, लेकिन अचानक से अगर फेस पे दाग धब्बा पड़ना शुरू हो गया है छोटे छोटे, तो यही फिर आगे को बढ़ के और भी ज्यादा भयंकर हो जाते हैं। मतलब जो बहुत ज्यादा झाइयाँ आप देखते हो ना, ऐसे पूरा सारा स्पॉट, पूरा ये वाला गाल, ये नोज एरिया, ये माउथ के अराउंड, तो ये इस वजह से होती है क्योंकि हम छोटी जब चीज होती है ना, उस टाइम पे ध्यान नहीं देते। आपने सुना ही होगा कि बीमारियां भी जब फर्स्ट स्टेज में होती है तो कंट्रोल में की जा सकती है, लेकिन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो टिपिकल हो जाता है उन्हें कंट्रोल करना। तो अगर आपको भी ये सारी समस्याएं हो रही है, दाग धब्बे फेस पे किसी भी तरह के हो रहे हैं, तो पहले तो चलो आप रेमेडीज को ट्राई कर सकते हैं। थोड़े दिन देखिए, हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना भर, अगर आपको फर्क महसूस ना हो रहा हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए। और बाकी खान पान पे अगर ध्यान नहीं दोगे और बोलोगे कि भाई सिर्फ चेहरे पे लीपा पोती से ही सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होता है। खान पान का विशेष ध्यान देना चाहिए, और बाकी जो मैं आपको फेशियल क्लीनअप बताती रहती हूँ तो उन पे भी ध्यान देना जरूरी होता है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि आजकल हम चेहरे पे मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं, धूल मिट्टी हमारे चेहरे पे गिरती है, वो स्किन के पोर्स के अंदर तक चली जाती है, वही फिर ब्लैक एंड व्हाइटेड का रूप ले लेते हैं। और इसी तरह से मतलब हमारी स्किन प्रॉब्लम्स जो है ना, हमारी आलस जो हम करते हैं ना, उसकी वजह से बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन हमें स्किन को लेकर के आलस बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बहुत सिंपल तरीका मैं बता रही हूँ। गेहूं का आटा हर घर में होता है। बहुत बार हमारे पास ये भी एक्सक्यूज़ होते हैं कि भाई इतनी सारी चीज़ें बताते रहते हो, हमारे पास तो नहीं थी इसलिए हमने छोड़ दिया। तो ऐसा भी नहीं है, ये जो चीज़ है ये आपके पास अवेलेबल होती होती है, हर घर में होता है। तो चलिए अभी जल्दी से उठा करके लेकर के आ जाइए आप भी थोड़ा सा, और फिर शुरू कर दीजिए ये फेशियल क्लीनअप। और आप फेशियल से समझोगे कि भाई पता नहीं कितना बड़ा तामझाम हो जाएगा। नहीं, कुछ भी नहीं होगा, जस्ट 2 स्टेप्स में हम इसे कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए, पहले स्टेप में तो हमने क्या किया कि मैंने एक वाइप ले लिया है। वैसे तो ये ऑलरेडी थोड़ा गीला ही होता है, इससे आप अपने चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हो, लेकिन बहुत ही बढ़िया क्लींजर का काम करता है हमारा दूध, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। तो आपने क्या करना कि इसको डिप कर लीजिए दूध में, थोड़ा सा निचोड़ लीजिए ताकि इधर उधर मैश ना हो, और फिर इसे टैप टैप करते हुए इस तरह से लगाइए ताकि आपके चेहरे के पोर्स के अंदर तक ये जाए, और फिर जो गंदगी है आपके चेहरे के ऊपर पोर्स के अंदर, तो उसे भी एक बाहर खींच निकाले, क्योंकि क्लींजर का काम करता है बहुत ज़बरदस्त। तो आपके जो फेस के जो भी पोर्स हैं उनको भी बहुत बढ़िया तरह से क्लीन कर लेगा। तो इस तरह से भाई मैं बहुत ही बढ़िया तरह से अपने चेहरे को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि गंदे चेहरे पे कभी भी आपको कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, वो और ज़्यादा प्रॉब्लम आपको दे सकता है। ठीक है जी, अच्छी तरह से मैंने अपने चेहरे को क्लीन कर लिया इस तरह से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत तामझाम नहीं है, हम क्या करेंगे कि दो तरह से मैं फेस पैक बना रही हूँ, दो तरह से इसे इस्तेमाल करूँगी, और कैसे इस्तेमाल करूँगी वो भी आप देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये है जी चावल का आटा, और यहाँ से 1 चम्मच चावल का आटा हमने लिया, और ये देखिए जी एक बाउल में डाल दिया। अगर आप अपने हाथ पैर पे भी, नेक पे भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा और भी ले सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में हम अपने हाथों पैरों की केयर नहीं करते हैं, और नतीजा हो जाता है कि वो बहुत ही बेकार भद्दे से हमें नज़र आने लगते हैं, तो इसे भी इग्नोर नहीं करना है। चलिए जी, अभी सेकेंड जो चीज़ मैं यहाँ पे लेने जा रही हूँ वो है जी, ये है चावल का आटा। ये है चावल का आटा जो कि आपके पास अवेलेबल होगा, और चावल के आटे में स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है, थोड़ा सा फर्क आपको नजर आ रहा होगा दोनों। और जो ये आपने गेहूं का आटा लिया है, ये चोकर सहित ही लेना है, क्योंकि इसी तरह से ये बहुत फायदेमंद है, ग्लूटेन भरपूर मात्रा में है, हमारे स्किन के जो भी दाग धब्बे हैं उन्हें साफ करने का काम करेगा, फेयर करेगा आपकी स्किन को,
तो दो चीज़ें मैंने ले ली हैं। एंड तीसरी जो चीज़ है वो है कॉफ़ी। ये टोटल ऑप्शनल रहेगा, लेकिन कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, तो यहाँ पर मैंने लगभग आधी जैसी चम्मच के करीब कॉफ़ी ले ली है। और अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ी सी मैं इसमें लूँगी हल्दी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि हम खाने पर भी ध्यान नहीं देते हैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि सर्दियों में आसानी से चीज़ें पच जाती हैं और हमें टेंशन नहीं लेते, हम और खाते चलते हैं तो जी क्या होता है कि हमारे शरीर में हो जाती है गर्मी, जिसकी वजह से पिंपल्स अब आपके चेहरे पे आ जाते हैं, और जो लोग अपने स्किन की अच्छे से केयर नहीं करते हैं उनको भी पिंपल्स होते ही रहते हैं। तो हल्दी जो है ना, एक तो आपके पिंपल्स को क्योर करने का भी काम करेगी, एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसमें होती है, साथ ही साथ ये आपके रंगत को निखारने का भी काम करती है। भाई दुल्हन को सबसे पहला शगुन लगाया जाता है हल्दी का, तो पावरफुल है बहुत सारी बहुत ये, लेकिन लेनी है आपको शुद्ध हल्दी। जो खाने वाली होती है उसमें होते हैं फूड कलर, इस वजह से वो ज़्यादा ही पीली नजर आती है, और आपके चेहरे पर लगाने से भी चेहरा कुछ ज़्यादा ही पीला पीला हो जाता है, तो वो आपको यूज़ नहीं करनी है। आपको अंबा हल्दी, कस्तूरी हल्दी या फिर घर पे जो शुद्ध हल्दी होती है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है जी, ये भी ले ली हमने। और अब सर्दियों का है मौसम, और सर्दियों के मौसम में एक जो समस्या भारी आपको देखने को मिलती है कि स्किन बहुत ज़्यादा फटती रहती है। फटी हुई स्किन का एक ही इलाज है, वो है ग्लिसरीन। इसमें होती है हीलिंग प्रॉपर्टीज़, और ये आपकी स्किन को एकदम हील कर देती है, सॉफ्ट बना देती है, सपल बना देती है। तो यहाँ से थोड़ी सी आपको ले लेनी है ग्लिसरीन, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेंगे, थोड़ी सी लेंगे। नेक्स्ट इसमें जो हम ऐड करेंगे वो टोटल ऑप्शनल है, ये है बादाम रोगन। इसकी जगह पे आप ले सकते हैं जो कोकोनट ऑयल है वो ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं जो विटामिन ई के कैप्सूल्स होते हैं वो ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो लेना है, जो भी। इसलिए मैं आपको ऑप्शंस भारी बता देती हूँ ताकि आप ये ना एक्सक्यूज़ दें कि भाई ये चीज़ तो हमारे पास थी ही नहीं। तो ठीक है, ले लिया आपने ये भी। एंड इसके साथ ही हम इसमें क्या ऐड करने वाले हैं, इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा ऐड करने वाले हैं एलोवेरा जेल, जो कि यहाँ पे मेरे पास ये वाला ब्रांड है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं, जो घर वाला है वो भी ले सकते हैं, वो और भी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। थोड़ा सा उसमें कष्ट होता है कि आपको लेके आना पड़ेगा उसको, उसके अंदर का जेल निकालना पड़ेगा। अगर आप इतना कष्ट कर सकते हैं तो ज़रूर आप उसी को लीजिएगा, क्योंकि उससे बेहतरीन और कोई चीज़ हो नहीं सकती। एंड में हम थोड़ा सा इसमें लेमन की ड्रॉप्स डालेंगे, थोड़ा सा नींबू का रस। नींबू के रस में होती है विटामिन सी भरपूर मात्रा में, जो कि आपके फेस के दाग धब्बों को लाइट करती है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। और साथ ही साथ एक चीज़ डालना बिल्कुल ना भूलना, वो है आपका गुलाब जल। गुलाब जल आपकी स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस रखता है और आपकी स्किन को एकदम महकाता है और पिंकिश बना के रखता है। तो यहाँ पर लगभग एक चम्मच के करीब आपको ले लेना है गुलाब जल। ठीक है जी, अगर ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको स्किप कर देना। और एंड में क्या करना कि दूध की मदद से थोड़ा थोड़ा डालते हुए, बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको अच्छा सा एक पैक की तरह हम बना लेंगे। ठीक है जी, इस तरह से हम इसको डालते चलेंगे और अच्छी तरह से इसका एक पैक बना देंगे। और इस पैक को हम करेंगे दो तरह से इस्तेमाल, जैसे मैंने आपको बताया था। एक, हम इससे अपने चेहरे पे बहुत ही बढ़िया तरह से स्क्रब करेंगे, और दूसरा कि हम स्क्रब करने के बाद इससे अपने चेहरे पे एक पैक की तरह अप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी, तो अगर आपने इस हफ्ते किसी भी तरह का स्क्रब नहीं किया है तो आप ज़रूर कीजिए, और अगर आपने एक दो दिन पहले ही स्क्रब किया है तो आप स्किप कर लेना। तो बस जस्ट आपने खाली इसका लेप लगा देना है, इस तरह से अपनी फिंगर की मदद से आपने इसका एक बढ़िया सा लेप लगा देना है और उसे सूखने देना है अपने चेहरे के ऊपर। लेकिन अगर स्क्रब नहीं किया है, डेड स्किन चेहरे पे बहुत ज़्यादा जमी हुई है, ब्लैक हेड वाइट हेड बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह से हल्के हाथों से मसाज करते हुए आपने इससे पहले बढ़िया तरह से मसाज करना है। और फिर क्या करना, मसाज करने के बाद क्या करना कि अपने चेहरे को पहले अच्छी तरह से क्लीन कर लेना, गंदे चेहरे पे फेस पैक दोबारा से नहीं लगाना। इससे क्या होगा कि जो भी डेड स्किन होगी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, चेहरे पे जो भी ब्लैक एंड वाइट होंगे वो भी आपके बिल्कुल हट जाएंगे। फिर उसके बाद ये चीज़ करने के बाद आपने फेस पैक लगाना इस तरह से बहुत ही बढ़िया तरह से। और एंड में एक बहुत ही जादुई तरीका मैं बताने वाली हूँ, जिससे कि आपकी स्किन शीशे की तरह चमकेगी, तो उसे देखना भी बिल्कुल मत भूलना। ऐसा नहीं कि यहीं से स्किप कर दिया वीडियो को, बाकी मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ, तो उसके लिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर लेना लाइक अगर अच्छा लगा होगा तो, बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना जिनको दाग धब्बों की समस्या है, एंटी एजिंग की
फाइन लाइन्स, रिंकल्स जिनके फेस पे दिखना शुरू हो गए हैं, किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम है, तो उनके साथ शेयर भी ज़रूर कर लेना। तो ठीक है, मैं इसको अभी सूखने देती हूँ। सूखने के बाद फिर पहले अपने चेहरे को गीला कर लेना, फिर अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लेना। तो चेहरा मैंने धो लिया और रिजल्ट आप देख सकते हैं कि स्किन आपकी शीशे की तरह चमक रही है, ग्लो कर रही है, बिल्कुल भी रूखी नहीं हुई, साथ ही सॉफ्ट हो गई है, क्योंकि जितनी भी चेहरे पर डेड स्किन थी वो भी हट चुकी है, ब्लैक एंड व्हाइटेड की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो चुकी है। अच्छा, चेहरा धोने के बाद आपने क्या काम करना है जो मैं आपको बता रही थी। सबसे पहले तो देखिए, मैंने एलोवेरा जेल अपने हाथ में ले लिया। अब क्या करूँगी मैं इसमें, ये देखिए ये दो तीन पत्तियाँ ये केसर की हैं, ये ऐड करूँगी। और अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। इसे मैं थोड़ा सा एलोवेरा से ढक रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा भीग जाए, फिर जब मैं इसको मिक्स करूँगी तो अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि चीज़ें थोड़ी थोड़ी ले रही हूँ इसलिए बाउल में उस तरह से मैंने नहीं किया। एंड साथ इसमें थोड़ी सी मैं ग्लिसरीन ऐड करूँगी। आप ग्लिसरीन की जगह शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सर्दियाँ हैं, जम जाता है, तो मेरे को ये सबसे बेस्ट चीज़ लगती है। और दूसरा कि हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, तो आपकी स्किन को हील करने का भी काम करता है। तो तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना, लेकिन ग्लिसरीन की बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो बूंद आपने ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। आप इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर सकते हो तो और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और अब अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना। थोड़ी देर अगर आपने भिगो के रखा है तो ये अपना पीला पीला कलर जिसे आप देख रहे हो यहाँ पे छोड़ना शुरू कर देता है, तो एलोवेरा का कलर जो है ना हल्का पीला होने लगता है। फिर आपने क्या करना कि इससे अपने चेहरे पे अच्छी तरह से मसाज करनी। रात को सोने से पहले आप ये काम डेली भी कर सकते हो। अगर आप डेली ये काम करोगे तो आप देखोगे कि आपकी स्किन पे जो थोड़े बहुत दाग धब्बे होना शुरू हो गए हैं ना, बहुत जल्दी वो लाइट हो जाएंगे और जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। जब तक कि जड़ से ख़त्म नहीं होते हैं तब तक आपने डेली ये काम कर लेना, ठीक है जी। तो इस तरह से अच्छी तरह से आप मसाज कीजिए, इससे अपने चेहरे पे डार्क सर्कल्स हैं तो उनके ऊपर भी मसाज कीजिए, डार्क सर्कल भी आपके लाइट हो जाते हैं। बहुत कारगर तरीका है, केसर हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर है तो आप ज़रूर डालिएगा। और अगर केसर नहीं है तो केसर की जगह पर आप बादाम को घिस करके भी डाल सकते हो, ठीक है। तो अच्छी तरह से मसाज कीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।